नमस्कार, आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। तो थोड़ी ही देर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर चर्चा का लोकसभा में जवाब दिया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, और पूरे देश की निगाह इस बात पर है कि इस पर प्रधानमंत्री की तरफ से क्या कहा जाता है। और साथ ही विपक्ष की तरफ से जो आरोप लगाए गए उस पर भी पलटवार कर सकते हैं, खासतौर पर जिस तरह से अडानी के मसले पर राहुल गांधी की तरफ से तमाम जो आरोप लगाए गए, तमाम जो सवाल खड़े किए गए उस पर भी जवाब दिया जा सकता है। थोड़ी देर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के भाषण पर चर्चा का लोकसभा में जवाब दिया जाएगा और आपको हम दिखाएंगे। लेकिन इन सब के बीच सबसे पहले इस वक्त की 25 बड़ी खबरें कौन सी हैं, क्विक 25 के जरिए आपको दिखाते हैं। जयराम रमेश का थोड़ी देर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर चर्चा का लोकसभा में जवाब देंगे प्रधानमंत्री मोदी, विपक्ष के आरोपों पर कर सकते हैं पलटवार। जयराम रमेश का दावा, अडानी महामेगा स्कैम पर राहुल गांधी के भाषण के अंश को संसद की कार्यवाही से हटाया गया, लोकसभा में लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाया। अडानी को लेकर ओवैसी का सरकार पर हमला, कहा हिंडनबर्ग के लोग भारत में होते तो यूएपीए लग जाता, भारत के पैसे लेकर विदेश भागे लोगों में किसी भी मुगले आजम का नाम नहीं है क्या, तिरंगे से निकाल देंगे हरा रंग। राष्ट्रपति के भाषण पर चर्चा के दौरान जबरदस्त हंगामा हुआ, मल्लिकार्जुन खड़गे बोले देश में नफरत का माहौल बनाया जा रहा है, कई सांसद सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बात करते। खड़गे बोले पब्लिक सेक्टर को अनाप शनाप दामों में जा रहा है बेचा, पूछा अडानी की संपत्ति इतने कम वक्त में 13 गुना कैसे बढ़ गई। पीयूष गोयल का खड़गे पर पलटवार, कहा 16 गुना बढ़ी कांग्रेस के नेताओं की संपत्ति, सभापति ने खड़गे से कहा बिना सबूत ना लगाएं आरोप। निर्मला सीतारमण ने खड़गे के प्रधानमंत्री पर उठाए गए सवालों पर जताई आपत्ति, कहा सभी आरोप बेबुनियाद। लोकसभा में रविशंकर का राहुल गांधी पर बड़ा हमला, कहा खुद पर भ्रष्टाचार के आरोप में जमानत पर हैं, पूछा यूपीए सरकार के दौरान अडानी को ठेके कैसे मिले, राहुल गांधी सदन को गुमराह कर रहे हैं। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार नोटिस दिया है, नोटिस में प्रधानमंत्री मोदी पर बिना सबूत आरोप लगाने पर कार्रवाई की मांग की गई। महुआ मोइत्रा का बीजेपी पर पलटवार, बोली हैरत में हूं कि बीजेपी मुझे सिखाएगी संसद नैतिकता का पाठ, मैं सेब को सेब ही कहूंगी संतरा नहीं। मेघालय के वेस्ट गारो हिल्स में एनपीपी पर टीएमसी कार्यकर्ताओं को हमले का आरोप है, कई लोग इसमें घायल हुए हैं। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी कल जारी करेगी घोषणा पत्र, बेरोजगारी और कई अहम मुद्दों पर वादे हो सकते हैं। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ गई हैं, सीबीआई ने एफआईआर दर्ज करने के लिए एलजी से अनुमति मांगी है, सिसोदिया पर फीडबैक यूनिट के जरिए जासूसी का आरोप लगाया। मनोज तिवारी का आम आदमी पार्टी पर बड़ा हमला, बोले दिल्ली के टैक्स पेयर्स के पैसे से अवैध तरीके से जासूसी करते हैं आप नेता। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली मेयर चुनाव को लेकर जारी किया है नोटिस, उपराज्यपाल से एक हफ्ते के भीतर जवाब मांगा गया। महबूबा मुफ्ती समेत कई पीडीपी नेताओं को दिल्ली में हिरासत में लिया गया, जम्मू कश्मीर में बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा था। लगातार छठी बार आरबीआई ने बढ़ाया रेपो रेट 0.25% तक का जो इजाफा है वो किया गया, सभी तरह के लोन हो सकते हैं इसके बाद में। आरबीआई का ऐलान, मुद्रास्फीति दर 5.6% साल 2022-23 में आर्थिक वृद्धि पर 7% रहने का अनुमान जताया गया। संसद में रिसाइकल प्लास्टिक बॉटल से बनी जैकेट पहनकर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, बेंगलुरु में एनर्जी वीक के दौरान प्रधानमंत्री को भेंट की गई थी जैकेट। जालौन में प्रधान समेत दो लोगों पर चढ़ाई गई बुलेरो, दोनों घायल, प्रधान ने रंजिश में हमला करने का आरोप लगाया। उन्नाव में हाईवे निर्माण कंपनी की दादागिरी, किन्नरों पर डंपर चढ़ाने की कोशिश की गई, बिना अनुमति के जमीन खोदने का विरोध कर रहे थे किन्नर। बिहार के गया में नक्सलियों की बड़ी साजिश को नाकाम किया गया, सुरक्षा बलों के जवानों ने सर्च ऑपरेशन में नक्सलियों के बंकर को ध्वस्त किया, 5 IEDs को भी डिफ्यूज किया गया। तिहाड़ जेल के पूर्व वार्डन योगेश मीणा की गिरफ्तारी, 10 करोड़ की रंगदारी मांगने का आरोप लगाया। इंडिगो की जेद्दाह से दिल्ली आ रही फ्लाइट की जोधपुर में इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई, फ्लाइट में बैठे एक यात्री की तबियत खराब होने की वजह से फैसला लिया गया, हालांकि दुखद यह कि यात्री की नहीं बचाई जा सकी जान। यूपी में पुलिस ने 16 लोगों को गिरफ्तार किया, ऑनलाइन गेमिंग फ्रॉड मामले में गिरफ्तारी हुई है, आरोपियों से 12 लैपटॉप, 73 मोबाइल फोन, 6 पासबुक और 90 ATM कार्ड्स बरामद किए गए।